बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज शुरू करने लगे हैं 3.2। ये सफ़ा नंबर 55 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक उसे कहते हैं कि वो उनको अब लॉग की शक्ल में लिखें। पहले सवाल ये है 343, तो 7 की ताकत 3 हो तब 343 आता है ना। तो मैंने कहा था कि आप ये लिखें कि 7 को 343 बनाने के लिए कितनी दफ़ा आपस में ज़रब देनी पड़ेगी। 3 दफ़ा, तो यहाँ लॉग का निशान लगा दें। अब एहतियात का तकाजा ये कि साथ साथ जवाब भी चेक करते रहें। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। वी हैव 4:5 इज इक्वल टू 1024। अब 4 से 1024 बनाने के लिए 4 को आपस में कितनी दफ़ा ज़रब देनी पड़ेगी। 5 दफ़ा, ये 5 इधर आ गया। लॉग का साइन लगा दें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉरी 3। एम रेस्ट पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। ये होगा जी एम से 1 बनाने के लिए उसे कितनी दफ़ा ज़रब देते हैं। 2/3 दफ़ा। लॉक लगा दें। ये जो नीचे है ना, मैंने जानबूझ के नीचे लिखा था क्योंकि आपका बेस होता है बाद में। और चौथा सवाल, चौथा सवाल ये कि 3^-3 इज इक्वल टू 1/27। तो ये होगा लॉग ऑफ 1/27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू -3। 3 से 127 बनाने के लिए आपको इसे आपस में कितनी ज़रब देनी पड़ती है, -3 टाइम्स। अच्छा, ये आपका हो गया। सारे जवाब आप ठीक हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 से 8 तक के लिए वो ये कहते हैं कि आप इन्हें ना कुव्वत नुमाई यानी कि पावर वाली फॉर्म में लिखें, यानी कि लॉग से निकाल के तो पावर वाली फॉर्म में लिखना, जो अभी किया उसे उल्टा करना। लॉग ऑफ 1^10 इज इक्वल टू 0। ये बेस होता है ना, यहाँ पे भी ये बेस होगा। ये जो चीज़ होती है ये पावर होती है ना, ये पावर आ गई, ये 1 ऐसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, लॉग ऑफ x^2 इज इक्वल टू 5। अब ये 2 है ना, ये बेस है ना, तो इधर भी ये बेस होगा, ये चीज़ पावर होती है, इधर आ गई और x इधर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, लॉग ऑफ 81^3 इज इक्वल टू 4। तो ये होगा जी, ये बेस है ना, तो बेस को इधर लिख लें, ये पावर होगी और ये 81। वैसे भी देखें 3^481 ही होता। क्वेश्चन नंबर 8, लॉग ऑफ 256^4 इज इक्वल टू 4। ये 4 बेस आ गया, ये भी इधर भी बेस है, ये चीज़ पावर आ गई और 256 इधर आ गया। अब जनाब आगे जो सवाल हैं 9 से लेके 20 तक, उनमें वो ये कहते हैं कि एक्स की कीमत मालूम करें। लॉग ऑफ x^2 इज इक्वल टू 5। इसको ना वो पावर की फॉर्म में लिखें तो ये क्या लिखेंगे इसे, कि ये बेस है ना इधर भी, तो ये बेस आ जाएगा 2। इसकी पावर, ये वाला आंसर पावर होगा ना 5, ये एक्स आ गया, तो
टू की पावर फाइव हो तो वो हमारा एक्स जवाब होगा, तो वो क्या होगा, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इजू टू एक्स, 2 4 8 16 32, एक्स आपका 32 आ गया। मैं जवाब साथ साथ देखते जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू 4, इसको कन्वर्ट करेंगे आएगा 3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स। अब 3 रेज टू पावर 4 क्या आता है, एट मेरा ख्याल 81 आता शायद, हाँ 81 या एक्स आ गया आपका, 32 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 64 इज इक्वल टू -2/3, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 64 आपका बेस है, तो ये बेस आ गया, ये चीज़ पावर आ गई, ठीक है, एक्स इसके बराबर है, पावर नेगेटिव हो तो आप क्या कर लेते हैं कि इसको नीचे ले जाएं, ठीक है। अच्छा जी, इससे आगे क्या होगा कि आपको पता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने सवाल पहले किए हैं, 2 × 1/3 इजिकल टू एक्स, तो ये किसके इक्वल आता है जनाब, कि मैं 64 लिख लूँ उसका स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, ये बल्कि इधर लिखता हूँ, और एक सेकंड ज़रा, ये जो 1/3 है ना, ये इसका क्यूब रूट है, ऐसे यानी कि 64 का पहले स्क्वायर करें बाद में क्यूब रूट करें, तो इसका जवाब मैं पीछे से देखने लगा हूँ, ये आता है 16, तो करके देख लेते हैं एक सेकंड। मैंने किया है कैलकुलेटर से चेक, ये 64 का स्क्वायर 4096 आता, ठीक है, और इसका आपने क्यूब रूट लेना है, वो एक्स के बराबर होगा, तो 4096 जब आप क्यूब रूट लेते हैं ना, तो वो 16 × 16 × 16 ऐसे करके आता, तो ये क्यूब रूट, ये 3 दफ़ा 16 आ गया, इससे कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर है, ये एक्स लिखा हुआ 16 के। लेकिन जब मैं कर रहा था, मुझे अंदाज़ा लगा कि ये थोड़ा सा ना मुश्किल तरीका है कि आपको 64 का स्क्वायर लें बाद में क्यूब रूट लें, इसका ना एक और आसान तरीका हो सकता था, तो मैं सवाल को दोबारा करता हूँ, तो जवाब 1/16 है, सॉरी, क्योंकि ये सारी बटे वाली रकम है, ये भी 1/1, ये ही 1/1, 1/1, जवाब 1/16 है। मैं इस सवाल को ना दोबारा करता हूँ, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 64 इज इक्वल टू -2/3, इसको जब आपने कन्वर्ट किया तो 64 की पावर -2/3 बराबर एक्स के, इसका मतलब ये कि 1/64 की पावर 2/3 बराबर है एक्स के। अब आप ऐसा करें, आप इधर देख रहे हैं ना कि आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा फिर क्यूब लेना पड़ेगा, तो पिछले सवाल की बनिस्बत अगर आप ये देखें कि इसको देखें कि ये इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, तो ये 4 का क्यूब रूट बनता, 4 को 4 से ज़रब दे 16, 16 को 4 से ज़रब दे 64 आता, तो ये 4 का क्यूब रूट बनता है 64, इसकी पावर 2/3 है एक्स, तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचा, 4 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एक्स का जवाब 1/16 है, तो इससे नतीजा ये निकला कि कोशिश किया करें कि जो रकम हो अगर वो कहीं आसान हो सकती है, उसके फैक्टर्स बन सकते हैं ना, तो वो पहले बना लिए जाएं, इस तरह सवाल हमारा आसानी से हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 25 इज इक्वल टू 3/2, ये कन्वर्ट करेंगे तो आप लिखेंगे 25 की पावर 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब पिछले सवाल का जो हमने दूसरा तरीका किया था उस तरह ही इसको करते हैं कि ये 25 को 5 का स्क्वायर लिखेंगे और उसकी पावर 3/2 है इज इक्वल टू एक्स, ये 2 इससे 2 से कैंसिल होगा, तो 5 क्यूब बराबर एक्स के, ये 125 बराबर है एक्स के,
जब आप चेक कर लिया जाए, बिल्कुल ठीक है। थर्टीन क्वेश्चन नंबर है, लॉग ऑफ 9 to the base 81 इज इक्वल टू एक्स। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 81 ये बेस है, ये बेस आ गया, ये पावर होती है, पावर आ गई ये 9। ठीक है, अब 81 की कौन सी पावर होगी कि जो 9 लेके आएगी। अब जवाब 9 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जारी बात है ये चीज़ जो है 81 का कोई स्क्वायर तो आप नहीं लेंगे, क्योंकि स्क्वायर लेंगे तो 81 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कि 81 का कोई रूट लिया जा रहा है। तो 81 इटसेल्फ क्या होता है, 9 × 9 आपको पता ना। ठीक है, 9 का निकाल आप स्क्वायर लें, नहीं मैं गलत गलत कर गया, मैं थॉट मेरा ठीक था लेकिन मैं गलत साइड पे चल गया, सॉरी। मैं वापस आता हूँ, मैंने ये कहा कि 81 है उसका कोई पावर ना इधर 1 भी ले लें तो फिर ये 81 9 के बराबर नहीं आता। पावर 2 लेंगे तो तब भी ये 81 की पावर 2 लेंगे तो 81 से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, और ऑफ कोर्स वो 9 नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में है। जब फ्रैक्शन में वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, जैसे वाई की फ्रैक्शन में वैल्यू हो, तो फिर वो आपके स्क्वायर रूट और वो क्यूब रूट वगैरह आ जाते हैं ना, 1/3, वाई रेस्ट पर 1/4। इसका मतलब होता है कि वाई का ये वाला, इसका मतलब ये होता है कि वाई का क्यूब रूट, इसका मतलब होता है कि वाई का फोर्थ रूट। तो इसका मतलब ये कि यहाँ एक्स की कीमत जो है ना वो फ्रैक्शन वाली कोई आती है। ठीक है, तो 81 को अगर मैं अंडर रूट लूँ तो तभी वो 9 आता है ना, क्योंकि बड़ी सीधी सादी बात है। तो 81 की पावर अगर 1/2 होगी तब 9 आएगा। 81 की पावर 1/2 का मतलब है कि 81 का अंडर रूट ले लूँ तो वो 9 आएगा। तो आपको मालूम है कि 81 का अंडर रूट जो है वो 9 ही होता है, लिहाजा ये बात ठीक है, लिहाजा एक्स की कीमत जो है ना वो 1/2 है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉग ऑफ 7 इज इक्वल टू एक्स, और बेस क्या है 3/4 3। तो 3/4 3 की पावर एक्स हो तो 7 आता है, ये भी पिछले से मिलता जुलता है। चूँकि जवाब छोटा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ना वो फ्रैक्शन आएगा, ताकि वो चाहे स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो कुछ इस तरह लिया जाए। अब ये सोचें कि 343 का क्या ऐसी वैल्यू हो जिससे जवाब 7 आए, यानी कि क्या उसका स्क्वायर रूट हो, क्या उसका क्यूब रूट हो, क्या होगा। अब 343 इसका मैं अगर ये लेता हूँ तो 7 नहीं आता, पक्की बात है, क्योंकि इसको अगर मैं इक्वेशन को उल्टा कर दूँ कि इधर भी मैं स्क्वायर ले लूँ और इधर भी स्क्वायर ले लूँ, तो देखें ये कैंसिल हो गया, 343 49 के बराबर तो नहीं ना होता, लिहाजा एक्स की वैल्यू 1/2 नहीं होगी। अच्छा, एक्स की वैल्यू फिर क्या होगी, क्यूब रूट लेने की कोशिश करता हूँ तो क्या फिर क्या आएगा, 7 के बराबर आ जाएगा, मुझे नहीं मालूम, करके देखते हैं। तो 343 का क्यूब रूट क्या 7 के बराबर आएगा, कैसे पता चलेगा, 7 को 7 को 7 को 3 दफ़ा ज़रब देते हैं। ठीक है, ऐसे ही है ना कि 343 का क्यूब रूट है ना, तो इधर भी क्यूब कर दें इधर भी क्यूब कर दें, 7 को 7 से ज़रब दें 49 आता है, 49 को 7 से ज़रब दें ये 343 आ गया। हाँ जी ठीक है, यानी कि अगर 343 की पावर 1/3 ले लें तब 7 आ जाता है। 1/3 पावर का मतलब ये कि क्यूब रूट जो हमने इधर करके देख लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की वैल्यू क्या है 1/3, यानी कि आपने एक्स की यहाँ एक ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे ये जो इक्वेशन है ना ये ट्रू हो। जब मैं एक्स की वैल्यू 1/2 लेता था ना इधर, यानी कि स्क्वायर रूट लेता था, तो ये ट्रू नहीं आती थी, क्योंकि 343 तो 49 के इक्वल नहीं होता, लेकिन जब मैंने क्यूब रूट लिया तो फिर मेरी इक्वेशन सही हो गई। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि लॉग ऑफ 5 to the base 625 इज इक्वल टू 2x।
इसको लिखेंगे तो 625 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 5। अगेन ये जवाब चूँकि छोटा आ रहा है इसका मतलब कि 625 का कोई ना कोई रूट लेना पड़ेगा, चाहे वो अंडर रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, कुछ ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है, ये बड़ा ना कॉमनली इस्तेमाल होने वाला है, इसका मुझे वैसे ही याद है कि 5 को आपस में 4 दफ़ा ज़रब देना तो 625 आता। इसका मतलब है कि 625 बराबर है, 625 का सॉरी 625 का फोर्थ रूट लिया जाए ना तो वो 5 आता। ठीक है ना, इसलिए कि 5 की ताकत 4 बराबर है 625 के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 4, 5 की पावर 4 हो तो 625 आएगा, और दूसरे लफ्ज़ों में कि 625 का आप फोर्थ रूट लेंगे तो 5 आएगा। ऐसा ही है ना, 625 का फोर्थ रूट लेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब हुआ कि 625 का आपने फोर्थ रूट लिया तो वो 5 आता। इससे आपने क्या नतीजा निकाला कि 2x बराबर है 1/4 के, तो 2x बराबर है 1/4 के, तो x बराबर है 1/8 के, ये आंसर आ गया। 16 क्वेश्चन है, लॉग ऑफ 8 बेस 64 बराबर है एक्स बाय 2 के, तो 64 की पावर एक्स बाय 2 हो तो जवाब 8 आता। अगेन चूँकि जवाब छोटा आ रहा है इसका मतलब ये कि 64 का आपको कोई ना कोई जो है ना वो रूट लेना पड़ेगा, ये वाला या ये वाला या कुछ ऐसे करके। अब 64 और ये 8, हमें पता है कि 8 को 8 से ज़रब दें तो 64 आ जाता। इसका मतलब ये है कि 64 का अंडर रूट लें यानी कि पावर 1/2 लें तो तब वो 8 आता ना, ये एक्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स बाय टू किसके इक्वल हो गया, 1/2 के। एक्स बाय टू इक्वल है 1/2 के, तो ये 2 नीचे से इधर से काट गया तो बराबर है एक्स बराबर है 1 के। चलो आप देख लूँ ज़रा, ठीक है 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, लॉग ऑफ 64 बेस एक्स इज इक्वल टू 2। अभी एक्स की पावर 2 हो तो 64 आएगा। अब किस किस वैल्यू का स्क्वायर लिया जाए तो 64 आता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम क्या पूछ रहे हैं कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर 64 के इक्वल है, तो एक्स क्या होगा, इधर का आपने अंडर रूट लेना होगा। ये आपको पता है ना कि एक्स बराबर है, फ़र्ज़ करें 64 के, तो एक्स बराबर होगा 64 का अंडर रूट। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि एक्स क्यूब बराबर है वाई के, तो एक्स बराबर होगा वाई का आप क्यूब रूट ले लें। अगर एक्स की पावर 4 बराबर है वाई के, इसका मतलब कि एक्स बराबर है वाई का आप फोर्थ रूट ले लें, तो वो उस चीज़ को मैंने इधर इस्तेमाल किया तो एक्स क्या आ गया, 8 आ गया। सिंपल सिंपल। 18, लॉग ऑफ 256 बेस 2 है बराबर है एक्स के, तो ये आ गया जी 2 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 256। यानी कि 2 को कितना आप आपस में, उसका एक्सपोनेंट क्या हो कि 256 आए, यानी कि 2 को आपस में कितनी दफ़ा ज़रब दें कि 256 आ जाए, तो देख करके देख लें। 2 को 2 से ज़रब दी, 4 आ गया, 8 आ गया, 16 आ गया, 32 आ गया, 64 आ गया, 64 को ज़रब दी तो 2 दफ़ा 128 आ गया, और इधर 128 का दोबारा 2 से ज़रब दें 256 आता। देखें ये 4 है, 8, 16, 32, 64, मैं आंसर लिख रहा हूँ इस लेवल पे, 128 और 256, यानी कि 2 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ दफ़ा ज़रब दें तो 256 आता है। तो 2 रेज टू पावर 8 256 के बराबर होता है, यानी कि 8 बराबर हो गया एक्स के। ठीक है, ये भी जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, लॉग ऑफ 32 टू द बेस एक्स इज इक्वल टू 5।
एक्स रेस्ट पर 5 जो है वो 32 होना चाहिए। ठीक है, किस डिजिट को अगर आप उसकी 5 दफ़ा आपस में ज़रब दें तो 32 आएगा। दो का हमने करके देखा था ना पिछले पेज पे, मैं वापस जा रहा हूँ। ये देखें, 1 2 3 4 5, 5 दफ़ा किया था तो ये 32 आ गया था। तो क्या होता है, 2 रेस्ट पर 5 जो है वो 32 के इक्वल होता है। तो सॉरी गड़बड़ कर गया, मैं दोबारा करता हूँ। मतलब किया मैंने ठीक है, लेकिन मैंने गलत जगह सर्कल लगा दी, एक्स हमारा ये था। मैं दोबारा करता हूँ, एक्स रेस्ट पर 5 32 के इक्वल होता है। यानी कि किस चीज़ की आप पावर 5 लें तो 32 आएगी। आपने पिछले सवाल से देखा कि 2 की पावर अगर आप 5 लें तो 32 आता। मतलब कि एक्स किसके इक्वल हो गया, 2 के। इधर मैंने गलत किया था, मैंने वो पिछले सवालों की तरह इस इधर सर्कल लगा के इससे मिला दिया था। एक्चुअली एक्स ये था, ये मैंने गलती की थी। एक्स 2 के बराबर है, चेक कर लो जी, बिल्कुल ठीक है। और 20वां सवाल है उसका 27 जवाब है। ला के देखते हैं, 27 आंसर है। मैं लिख लूँ उसका, साथ ही मैंने पढ़ लिया। लॉग ऑफ 729 बेस एक्स है बराबर है 2 के। इसका मतलब कि एक्स रेस्ट पर 2 बराबर है 729। यानी कि किस चीज़ का आप स्क्वायर लें तो 729 आता है। दूसरे लफ्ज़ों में 729 का आप अंडर रूट लें तो वो एक्स से बराबर होगा। आप 729 का अंडर रूट लें, कैलकुलेटर ले लें, तो ये 27 आ जाता है। तो एक्स बराबर है 27 के, ये आपका जवाब आ गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई। इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में 3.3 टॉपिक शुरू करेंगे जो कि कॉमन लॉगरिथम के मुतालिक है। अस्सलाम वालेकुम।